कि कुछ व्यूअर्स हैं, किसी का फ़िल्टर जो है वो डैमेज हो चुका है, किसी का ये ड्रॉअर जो है सर्फ वाला ये डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। अब अगर फिल्टर भी आपका डैमेज हो गया है, आपका ड्रॉअर भी टूट गया है, तो आपका क्या सलूशन है? इसका सलूशन सिंपल है, आप हायर कंपनी को कॉल करें, उनको अपनी जो है कंप्लेन रिकॉर्ड कराएं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। सिर्फ हायर नहीं, आप किसी भी कंपनी की अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आपने कुछ प्रिकॉशंस करनी होती हैं, कुछ एहतियातें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। वो एहतियातें बुकलेट में नहीं होती या वर्बली नहीं बताई जाती हैं, लेकिन कॉमन सेंस की बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना सेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आप देखें इसके लिड के ये जो लॉक हैं, मेरे पास जो मॉडल नंबर है उसमें तो स्टील के दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो मॉडल है हायर का, जैसे 8.5 है, 8.5, 1789 है या 826 है, उनमें जो है ये प्लास्टिक का दिया गया है। लेकिन आपने देखिए, जब आप इसमें जो है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें मैग्नेट है, डोर अपने आप जो है वो लॉक हो जाता है मैग्नेट की वजह से जो है वो डोर। लेकिन आपने जब इसको ओपन करना होता है तो बहुत हल्के हाथ, ताकि ये इस पर ज़ोर ना पड़े, ये जो इसके लॉक हैं यहाँ पर इन पे बिल्कुल भी ज़ोर ना पड़े और ये ना टूटे। इसके अलावा जो है फीमेल्स के अक्सर करती हैं कि जो इसका फ़िल्टर है, इसके फ़िल्टर को बहुत इजीली आपने प्रेस करके जो है निकालना है, और बहुत हल्के हाथों से जो है आपने प्रेस करना है और ईज़िली हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हल्के हाथों से मैंने निकाला, हल्के हाथों से मैंने डाल दिया। अच्छा, इसको हर दफ़ा नहीं आपने निकालना, वीक में वन दफ़ा कर सकते, 15 डेज में आप एक दफ़ा वॉश कर सकते हैं निकाल कर, या वीक में एक दफ़ा कर सकते हैं, या 10 डेज में, इट्स अप टू यू। लेकिन इतना ज़्यादा आपने नहीं निकालना होता, आपने इसकी किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करना। अब इसी तरीके से ये हमारे पास जो है ड्रॉयर मौजूद है, और ड्रॉयर को भी जो है निकाला जा सकता है ईज़िली, जो है इसको प्रेस करके जो है आप इसको ईज़िली बाहर की तरफ निकाल सकते हैं और इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको भी आराम से हल्के हाथों से जो है यूज़ करना है, ताकि इसको भी डैमेज ना हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि कुछ व्यूअर्स हैं, किसी का फ़िल्टर जो है वो डैमेज हो चुका है, किसी का ये ड्रॉअर जो है सर्फ वाला ये डैमेज हो चुका है, टूट चुका है, किसी का जो है ये लॉक टूट चुका है लिड का। देखिए, आपने हल्के हाथों से, आपकी वॉशिंग मशीन है, किसी और की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ले रहे हैं। जितनी एक्सपेंसिव है ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही जो है ये यूज़ होती है घर में, तो आपने बहुत एहतियात से इन चीज़ों को जो है इस्तेमाल करना होता है, ताकि किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो। एक्सीडेंटली हो जाता है वो तो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि चीज़ है, अब बनी है तो टूटेगी भी। लेकिन अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आई डोंट नो कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा। आप ये देख सकते हैं, मैंने अप्रैल में ये परचेज़ की थी और अब तक मुझे जो है वो 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को, और किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं डैमेज हुई। हालांकि मैं वीडियो भी बनाती हूँ चैनल के लिए और अलग से यूज़ भी कर रही होती हूँ। मैं तो इस वॉशिंग मशीन का डबल यूज़ कर रही हूँ, आप सबसे ज़्यादा जितना आप लोग यूज़ करते हैं उससे डबल यूज़ मेरा है। मुझे चैनल के लिए भी यूज़ करना है और इसे अपने घर के लिए भी यूज़ करना है। लेकिन इसके अलावा मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो मेरे पास वॉशिंग मशीन थी मॉडल नंबर हायर का, वो भी मेरे पास 1.5 साल से थी, और 1.5 साल मैंने उसको यूज़ किया है और बहुत अच्छे से, हालांकि वो मेरी जिठानी की थी, मेरी खुद की भी नहीं थी, इसके बावजूद मैंने उसे इतने अच्छे से यूज़ किया है कि किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं होने दिया, चाहे वो ड्रॉअर हो, चाहे वो फिल्टर हो, या वो लिड हो। तो आप वॉशिंग मशीन को बहुत एहतियात से यूज़ करना होता है, बहुत हल्के हाथों से। आपने बस इसके अंदर लॉन्ड्री डालनी है अपनी और डिटर्जेंट डालना है। आपने वॉश साइकिल अपना सेलेक्ट किया और जस्ट वन टच सॉल्यूशन में आपने स्टार्ट किया, वॉशिंग मशीन अपना काम कर लेती है, खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। इसके अलावा आपने इसके साथ कोई कुश्ती नहीं लड़नी होती किसी किस्म की। लेकिन फीमेल्स को मैं कहूँगी कि देखें, जब इतनी महंगी एक्सपेंसिव वॉशिंग मशीन आपके पास आई है तो आपने इसको काइंडली एहतियात से यूज़ करें, ताकि इस तरह के डैमेज जो हो रहे हैं वो ना हो। अच्छा, अब डैमेज हो गई,
अब अगर फिल्टर भी आपका डैमेज हो गया है, आपका ड्रॉअर भी टूट गया है या आपका लिड हो गया है, कोई भी डैमेज हो गई है आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ, तो आज का क्या सलूशन है? इसका सलूशन सिंपल है, आप हायर कंपनी को कॉल करें, उनको अपनी जो है कंप्लेन रिकॉर्ड कराएं। तो आप किस सिटी में मौजूद हैं, आपको हायर कंपनी अपना जो है ब्रांचेस बता देंगी, हेड ऑफिस उनका किस सिटी में, हेड ऑफिस किस तरफ है, तो आप वहां जाके इजिली जो है परचेज कर सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आप हायर कंपनी कॉल करके कह सकते हैं कि जी हमारा वहां आना थोड़ा मुश्किल होगा, आप ऐसा करें कि पहले टेक्नीशियन को बुलवा लें, टेक्नीशियन आके चेक कर लेगा और फिर वो लिख कर चला जाएगा और आप वहां से वो परचेज करके आपकी वॉशिंग मशीन में, अगर यहीं पर फिक्स करने वाली चीज हुई तो वो यहीं पर फिक्स करेगा, नहीं तो इसका एक ही हल है, वो ये है कि कंपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी लेकर जाएगी और उसकी सर्विस करके आपको वापस करेगी। तो इस तरह का खर्चा ना हो, जब आप इतनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन महंगी एक्सपेंसिव लेकर आए, इस तरह का खर्चा ना हो तो काइंडली आप उसके लिए थोड़ी सी एहतियात करें और इस वॉशिंग मशीन को एहतियात से यूज करें, तो आई होप सो कि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो आज थोड़ी सी आप लोग को एहतियात सिखाने के लिए थी, और अगर हो भी जाता है डैमेज, क्योंकि चीज है टूट जाती है, ऐसा भी कोई नहीं है कि भाई जान पूछ के कोई तोड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, हो जाता है टूट जाती है, तो अगर डैमेज हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट हायर कंपनी को कॉल करनी है और उनको अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है और उसकी सर्विस करनी है। होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप जो फीमेल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, आप बस हायर कंपनी को कॉल करें और अपना जो है डैमेज है वो क्लेम करें। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।